आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भूखे शेर की तरह दहाड़े हैं किंग कोहली। टेस्ट को T20 बनाते हुए एक नहीं, दो नहीं, 10 से भी अधिक खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोक लंकाई टीम ने उड़ाकर रख दी धज्जियां। जी हां, आखिर कैसे वापसी के साथ ही विराट ने इस बार लंका का घमंड कुचलते हुए लहराया अपना परचम। गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए कैसे उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक। छोड़ा खुद सचिन तेंदुलकर को भी पीछे, उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे की समाप्ति के बाद आखिरकार ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का बिगुल बज चुका है, जिसमें भारत के खूंखार खिलाड़ियों के सामने लंका की टीम चुनौती लेकर खड़ी थी। पहले टेस्ट मुकाबले में एक नया इतिहास लिखा जाना था, लंका का घमंड भी आसमान छू रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी खासतौर पर विराट कोहली अपनी वापसी के साथ ही लंका के खिलाफ अपने बल्ले से इस कदर गदर मचाएंगे कि भारत को वनडे की तरह टेस्ट सीरीज में रौंदने का सपना सजा चुकी श्रीलंका टीम को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जहां विराट ने अपनी पहली चुनौती में ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरी दुनिया देखती ही रह गई। जी हां दोस्तों, आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, दूसरे टेस्ट के पहले दिन कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया, लेकिन यह टीम इंडिया पर भारी पड़ा जब 50 रन भी नहीं बने थे और हमारे 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। रोहित से लेकर शुभमन गिल, यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में श्रीलंका तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगे थे, ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में टीम इंडिया की बैकबोन विराट कोहली एक बार फिर हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने कासुन रजिथा की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि लंका की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील करते हुए पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए कमिंडो मेंडिस की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के बटोरकर इस गेंदबाज को दशा दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते खूंखार विराट ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 26 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहाँ भारतीय खेमा रोहित गंभीर से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे लंकाई खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहाँ से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टेस्ट को T20 में तब्दील कर लंका के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए विराट ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने दुश्मनता चमीरा की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि वो विराट कोहली केवल 41 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरे स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए करुणा रत्ने के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर विराट कोहली ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 42 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, केवल इतने में ही उसका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 55 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो लंका के खेमे में। उनके अद्भुत बल्लेबाजी ने तो लंकाई टीम की शामत हिला दी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरों पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में लंका के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट में कौन बाजी मार पाएगा? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।